हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक नया ट्रिक, डिजीजेस कॉज बाय वायरसेस। आज हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाली डिजीजेस के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं लेके आया हूँ आज एक फनी सी ट्रिक, लेके आया हूँ वायरस विषाणु से होने वाली बीमारियों के लिए। जैसे कि मैंने एक पहला वीडियो बनाया था ट्रिक के लिए, फुटबॉल कब याद करने के लिए। अब ये मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ जीके के लिए। इसमें देखेंगे आज विषाणुओं से होने वाली बीमारियाँ। देखिए, मेरी कैट है एमपी से। इस देखिए, इस बहुत फनी सा टर्म लिखा हुआ है, मेरी कैट है एमपी से। तो देखिए, इसमें से कैसे हम याद कर सकते हैं वायरस से विषाणु, वायरस और विषाणु से होने वाली बीमारियों के नाम। देखिए, पहला है एम। देखिए, एक एक टर्म को पहले स्पेल कर लेते हैं। एम ई आर आई और सी ए टी। पहले देखिए, इसमें लिख लीजिए, एम से है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मेनिनजाइटिस यह बीमारी ब्रेन से जुड़ी हुई है। दूसरा है ई। ई से आएगा इन्फ्लाइस्टिस। यह बीमारी मस्तिष्क सोज से जुड़ी हुई है। दूसरा है आर। आर से रेबीज। रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने और बंदर के काटने से होता है। कुत्ते और बंदर के काटने से। आई से इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस, जे वायरस H1 कोल्ड में होता है। अब अगला चलते हैं सी। सी से चिकन पॉक्स। और ए से एड्स। टी से ट्रोकोमा।
ट्रोकोमा बीमारी जो है आई से रिलेटेड है। इसके अगले पार्ट में चलने से पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब चलते हैं हमारे जो इसका बचा हुआ पार्ट है एच और एमपी। इसके लिए अब चलते हैं जो बचा हुआ पार्ट है उसमें देखिए एच जो है यहाँ पे साइलेंट है क्योंकि इसका कुछ पार्ट नहीं लेंगे और से भी इधर साइलेंट रहेगा और दो पार्ट बचेंगे इसमें एक एम और पी। एम से बम्पस और मीजल्स। पी से पोलियो देखिए हमने वायरस से विषाणु से होने वाली बीमारियां जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में कई बार आई भी हुई है जैसे कि रेलवे एसएससी एग्जाम में जीएस पेपर में आती हैं। और देखिए इसका रिवीजन हम दोबारा कर लेंगे। दोबारा करने से पहले देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा। और मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और फिर बाद में आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको हमारी वीडियो नहीं मिलती है तो वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना कंपलसरी है। आइए इसको रिवीजन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है मेरी कैट एमपी से है तो एम से हमने बताया था आपको एम से बताया था मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस से कौन सी बीमारी होती है इसे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ई से इंफ्लाइटिस, आर से रेबिस, आई से इन्फ्लुएंजा, सी से चिकन पॉक्स, ए से एड्स और टी से ट्रोकोमा। अब ट्रोकोमा के बारे में जो कौन सी बीमारी होती है और कौन से अंग को प्रभावित करती है इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और एम से मम्पस और मेजल्स, पी से पोलियो। थैंक यू और ऐसे ही पढ़ते रहें और सीखते रहें आकाशदीप से और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।